अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां सुबह से गायब नवमी की छात्र का शव घर की दूसरी मंजिल पर बोरे में अर्धनग्न हालत में मिला है। उसकी गला घोटकर हत्या की गई है। पुलिस को आशंका है कि नाबालिग लड़की के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, इसके बाद उसकी हत्या की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। घटना उज्जैन से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्राम खेड़ा वदा की है, जहां नाबालिग नाना नानी के पास रहकर नवमी की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसके माता पिता रतलाम में रहते हैं। वो शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर से गायब थी। जब वो घर पर नहीं दिखी तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया। शाम 5 बजे तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने भाट पचलाना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस बच्ची को खोज ही रही थी कि परिवार वालों ने बताया कि लड़की घर की दूसरी मंजिल पर है। पुलिस ने पहुंचकर जानकारी ली तो लड़की का शव बोरे से ढका हुआ मिला था। उसके गले पर दबाने के निशान भी थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन SP सत्येंद्र शुक्ल भी रविवार सुबह घटना स्थल पर जायजा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने बारीकी से घटना स्थल का परीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भाट पचलाना के TI संजय वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में नाबालिग लड़की का गला घोटने के निशान मिले हैं। लड़की की लाश अर्धनग्न हालत में मिली है। दुष्कर्म किए जाने की भी आशंका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने बताया कि लड़की के नाना रोजाना सुबह चाय पीने के बाद गांव में चौपाल पर चले जाते हैं। इसके बाद नानी भी मंदिर चली जाती है। सुबह करीब 1 घंटे तक घर में कोई नहीं रहता है। इस दौरान लड़की की हत्या की गई है।